हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए क्या लाऊंगा, जी हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का। जी हाँ, मैं ले आया हूं आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप फॉर्मूला याद कर लिए होइएगा पार्ट थ्री का। अगर याद नहीं हुआ है तो प्लीज़ याद कीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर, क्योंकि उसमें आपको मैं लास्ट में दिया था क्या याद करने, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को। अगर वो याद नहीं हुआ होगा तो मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको याद करना होगा क्योंकि तभी ये चैप्टर बनेगा, नहीं तो आपको एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटीज़ क्या होती है आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ, फॉर्मेट क्या कहता है। फॉर्मेट देख लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन का, बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक साइड एसेट्स होगा, एक साइड आपका कैपिटल और लायबिलिटीज होगा, ठीक है ना। तो एसेट्स में कौन कौन आ जाता है देख लीजिए। तो एसेट्स में आपको आ जाएगा कौन, कैश आ जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा वाला इसको कवर अप कर लीजिएगा, दिक्कत हो रही है तो। बिल्कुल अब तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये पोर्शन रहेगा एसेट्स एक तरफ और इक्वल टू के उधर कैपिटल और लायबिलिटी। मींस दैट कि इधर का जो डाटा आएगा ना, इक्वल टू के इधर का और इक्वल टू के उधर का, दोनों मैच करना चाहिए, मतलब अलग नहीं होना चाहिए। अलग होगा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व भी नहीं होगा जी। तो क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि इक्वल टू के इधर जितना लिखाया है इक्वल टू के उधर भी उतना लिखा जाए। अगर नहीं लिखाएगा तो परेशानी आपको बढ़ जाएगी जी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए गौर कीजिए क्या करना है आगे। आगे देख लीजिए, आपको इसमें एसेट्स में कौन कौन है, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है जी। कैश है, स्टॉक है और कौन है, फर्नीचर है, ठीक है। और उस साइड कौन कौन है, तो उस साइड है कैपिटल, क्रेडिटर और लोन, बिल्कुल। तो इधर लायबिलिटीज है और इधर कौन है, बिल्कुल एसेट्स है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करनी है हम लोग को, तो हम लोग को अकाउंट्स बनाएंगे इसमें, तो क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग इसमें एंट्रीज आपको आएगी, ठीक है ना। मैं पहले ही फॉर्मेट तैयार कर दिया हूँ आपके लिए, ठीक है। और किस तरीका से आएगी आपको वो समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए दिख रहा है आपको, तो अब समझिएगा। तो ट्रांजेक्शन जो भी होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर जो भी होगा उसमें जो भी लिखा होगा, ठीक है, उसके अनुकूल हम लोग को अमाउंट उसमें भरनी है, ठीक है। और उसको सिर्फ हमको देना है ट्रांजेक्शन नंबर, कितना नंबर ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और उसे सॉल्व होकर मेरे पास क्या आ रहा है, तो बिल्कुल, तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बताऊंगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ आप देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवीर हिज बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख, ठीक है। मतलब प्रवीर का जो है ना क्या बिजनेस जो है स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो बिजनेस जब भी स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें क्या लगाते हैं, पैसा। तो पैसा जो लगता है ना उसको व्यापारी पूंजी कहता है, ठीक है। क्या कहता है, पूंजी मींस कैपिटल। तो कैपिटल कहता है इसको, ठीक है ना। तो बोला किसका क्या बनाइए आप, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए, ठीक है। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार, ठीक है। प्रवीर ने रुपए 1 लाख से अपना व्यवसाय प्रारंभ किया, लेखांकन समीकरण बताइए। बोला ना कि प्रवीर जो है इसमें 1 लाख रुपया लगाकर अपना व्यापार शुरू कर रहा है, यानी 1 लाख कैश लगाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका पूंजी कहलाएगा, पूंजी मींस दैट कैपिटल कहलाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसमें कैश लगाएंगे और क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा जी। तो हम लोग को जहां जो चीज बोलेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अमाउंट भर देना है। तो कैश बोला और क्या बोला इसमें, कैपिटल बोला, दो चीज बोला तो दोनों में अमाउंट जाएगा, ठीक है ना। चलिए गौर कीजिएगा, तो पहला इक्वेशन में मैं डालूंगा, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन मैं डाल देता हूं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, फर्स्ट इक्वेशन मैं डाल देता हूं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। तो आपका ये भी एक तरह का न्यू ट्रांजेक्शन ही है, ठीक है, न्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, मैं न्यू ट्रांजेक्शन लिख दिया हूं, पहला नंबर याद दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, तो क्या बोला आपको, 1 लाख रुपया से ये शुरू किया है, तो 1 लाख लिख दीजिए, किसमें, कैश में, क्योंकि कैश लगाया है 1 लाख। स्टॉक लगाया क्या, स्टॉक मीन्स गुड्स, गुड्स यानी सामान, सामान लगाया है नहीं, सिर्फ क्या लगाया, कैश लगाया, बिल्कुल। तो बाकी सब में 0 लिखिए। कैपिटल लगाया, तो बोला तो आपको जो कैश लगता है वो क्या होता है, तो आपका वो कैपिटल ही होता है, तो लिख दीजिए ना कितना, 1 लाख, ठीक है ना। बाद बाकी में क्या लिखाएगा, बिल्कुल 0। अब ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। तो न्यू ट्रांजेक्शन जब भी होगा तो आप लिखिएगा,
ठीक है। और दूसरा अगर न्यूट्रलाइजेशन उसमें और ऐड हो जाता है, और ऐड हो जाता है तो वो क्या निकाल के देगा, तो वो न्यू इक्वेशन निकाल करके देगा आपको। बिल्कुल, तो न्यू इक्वेशन के लिए आप तैयार रहिएगा कि न्यू इक्वेशन आपके लिए क्या निकाल करके देगा वो, ठीक है ना। चलिए समझिएगा आगे हम लोग क्या करते हैं। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आपको, सुनिएगा। तो ही परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 एंड फर्नीचर वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। मतलब मैं हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं फिर आपको समझाता हूं। उसने ₹20,000 का माल तथा 10,000 का फर्नीचर नगर खरीदा। इसका लेखांकन अनुपात आप कीजिए। बिल्कुल लेखांकन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको कि क्या खरीदा है ये, तो परचेज किया है क्या गुड्स और क्या फर्नीचर। जी बिल्कुल, तो गुड्स किसको कहते हैं, स्टॉक को कहते हैं, फर्नीचर तो लिखा हुआ है, ठीक है। कैश दिए हैं कि नहीं ये मैटर करता है, ठीक है। तो बोला है कि हाँ कैश तो दिए हैं, क्वेश्चन में तो कह रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको ही परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000, गुड्स जो है वो 20,000 का, फर्नीचर जो है वो 10,000 का। किस चीज से खरीदा, तो पैसे देकर खरीदा। चलिए तो लिख देते हैं गुड्स कितना का, तो गुड्स खरीदे 20,000 का, ठीक है ना। फर्नीचर कितना का बोलिएगा, कमेंट में आप बोल दीजिएगा। तो फर्नीचर कितने का, 10,000 का, ठीक है ना। दोनों मिला के कितने का सामान खरीदा आपने, तो 20 + 10 कितना हो गया, तो जी हाँ कितना हो गया, देखिए ना बताइए ना देख करके, 20 + 10 कितना हो गया, 30,000 हो गया सर जी। तो 30,000 क्या कैश आया है या कैश गया है, तो सामान खरीदे है ना, तो पैसा आएगा कि जाएगा। बिल्कुल, परचेज किया है सामान तो सामान आया और क्या जाएगा, पैसा जाएगा। तो जाने दीजिए ना, पहले से आपके पास कितना था, व्यापार स्टार्ट किए थे तो 1,00,000, अब उसमें से 30,000 का सामान खरीदे तो माइनस कर दीजिए, -30,000। बिल्कुल माइनस हो गया, 20,000 का सामान और +10,000 का फर्नीचर, दोनों चीज आ गया आपके पास, आया ना। अब इक्वल टू के इधर देख लीजिए, ध्यान देने वाली बात है, अब दोनों को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। तो 20 + 10, 30,000 प्लस में, 30,000 माइनस में, दोनों आपस में सॉल्व हुआ, क्या निकला, बिल्कुल जीरो निकला। बिल्कुल इक्वल टू के इधर भी बराबर आपको दिखाना होगा ना, तो दिखा दीजिए ना, कुछ आया क्या, नहीं आया, बिल्कुल जीरो आया, कुछ आया नहीं आया, तो जीरो लिखते चलिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लूं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1,00,000 माइनस 30,000, 1,00,000 में से 30,000 हम कैश अपना खर्चा किए हैं, तो बिल्कुल उसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा, बिल्कुल 70,000 ही बचेगा ना, सही है ना, लिख दीजिए ना 70,000, कोई शक नहीं होना चाहिए, ये तो 20 का 20 उतर जाएगा, बिल्कुल ये 10 का 10 उतर जाएगा, ये इक्वल टू के इधर 1,00,000, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इधर जीरो इधर जीरो, कोई दिक्कत, आसान है ना, बिल्कुल आसान है। हमको लगता है कि आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन में बताऊंगा आप समझिएगा, सिर्फ मैं पक्का आपको सिखा देगा अकाउंट बनाना, ठीक है ना, आप नहीं फंसिएगा किसी भी क्वेश्चन में। चलिए तो ये जो निकला ना आंसर, इसको मैं क्या कहूंगा, न्यू इक्वेशन कहूंगा। बिल्कुल, क्योंकि पहला ट्रांजेक्शन भी न्यू ट्रांजेक्शन था, उसमें हम और न्यू ट्रांजेक्शन वो क्या किए हैं, बिल्कुल ऐड किए, तो कितना हमको निकाल करके दिया, तो निकाल कर जो भी ऑप्शन दिया आपको उसमें उसका नाम क्या पड़ जाएगा, तो उसका नाम आपका पड़ जाएगा न्यू इक्वेशन। जी हाँ, यानी कि न्यू ट्रांजेक्शन में कोई भी न्यू ट्रांजेक्शन क्या होता है, इंक्लूड होता है, तो क्या निकाल के देता है, बिल्कुल वो न्यू इक्वेशन निकाल करके देता है। बिल्कुल, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, 2 तो बिल्कुल परफेक्ट था, चलिए 3 क्या कहता है समझ लीजिए, 3 क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा आप। बोलता है प्रवीर ने विनय से 10,000 का माल उधार खरीदा। प्रवीर परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। मतलब कि प्रवीर जो है ना वो क्या कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है, बिल्कुल परचेज कर रहा है, लेकिन पैसा दे रहा है नहीं, बोला उधार माल खरीदा, उधार मतलब पैसा नहीं दिया, यानी क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार। तो पैसा नहीं देंगे तो हम पैसा में से यहां नहीं घटाएंगे, ठीक है ना, कहां चढ़ाएंगे, अपने माथा पर चढ़ाएंगे, माथा मतलब कि लायबिलिटी पर चढ़ाएंगे, ठीक है ना, अपने माथा में मत चढ़ा लीजिएगा, लायबिलिटी में डाल दीजिए, क्योंकि लायबिलिटी आपके लिए क्या हो जाता है, बिल्कुल कर्ज, ठीक है, क्योंकि आज ना कल आपको क्या करना है, उसको देना है। तो आपको बताया कि जब भी कोई चीज परचेज करके लाते हैं तो कहां लिखते हैं लायबिलिटी में, तो वो लिखते हैं क्रेडिटर में। अगर सेल करके लाते हैं तो कहां लिखते हैं, तो वो डेटर में। बिल्कुल, उधार अगर सेल होता है तो डेटर में लिखाता है, उधार अगर परचेज होता है तो अमाउंट
क्रेडिटर में लिखाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो वस्तु आएगा वो वस्तु में लिख दीजिएगा, ठीक है, और जो उधार होगा उधार वाले कॉलम में आप लिख दीजिएगा। बिल्कुल, चलिए तो हम क्या खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं। गुड्स मतलब स्टॉक आया है, क्या आया है, स्टॉक आया है। कितना का आया है देख लीजिए क्वेश्चन, कितना का आया है, 10,000 का आया है। बिल्कुल, तो 10,000 लिख दीजिए स्टॉक में, प्लस 10,000 का बढ़ गया। पैसा दिए हैं नहीं तो जीरो लिखिए ना, पैसा नहीं दिए तो कोई जरूरत नहीं है लिखने का कोई चीज, ठीक है ना। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब इधर फर्नीचर आया है क्या आपके पास, आया है फर्नीचर, नहीं आया ना तो जीरो लिखिए ना। अब इक्वल टू के इधर का हिसाब देख लेते हैं, इक्वल टू के इधर का हिसाब क्या कहता है, तो इक्वल टू के इधर का हिसाब कैपिटल बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा भाई, क्रेडिटर बढ़ा क्या, बिल्कुल बढ़ा, क्योंकि परचेज उधार किए हैं तो क्रेडिटर में ही चढ़ेगा, क्योंकि पैसा देते तो अपना कैसे घटाते, पैसा तो दिए नहीं, तो परचेज में क्या बढ़ता है, परचेज में क्रेडिटर बढ़ता है। बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक सीख लीजिए, पीसी कह दीजिए, यानी कि परचेज में क्रेडिटर, पीसी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह समझ लीजिए कि जब भी परचेज का जिक्र करेगा ना, परचेज का जिक्र करेगा, ठीक है ना, तो वहां समझ लीजिएगा कि परचेज में कौन होता है, तो परचेज में आपका कौन होता है, तो क्रेडिटर होता है। तो इसका पी ले लीजिए और इसका सी ले लीजिए, दोनों मिला के क्या हो गया, पी सी। बिल्कुल कौन हो गया, ऊपर लिख देता हूं कहीं दिखाई नहीं देगा आपको, पी सी समझ लीजिएगा, परचेज मतलब बिल्कुल, यानी कि परचेज में कौन होगा, क्रेडिटर होगा। तो अमाउंट आपको कहां लिखना होगा, उधार लगेगा जब भी तो कहां लिखिएगा, तो क्रेडिटर में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो इधर अमाउंट हमको लिख देना है इसमें, बिल्कुल 10,000 का कर्ज चढ़ गया, इसमें लोन में कोई नहीं है, जीरो रहेगा, ठीक है। अब इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं कि न्यू इक्वेशन मेरे पास क्या आता है सॉल्व करके, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, 70 का तो 70 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 20 और 10 सामान बहुत ज्यादा हो गया अपने पास, कितना का हो गया, दोनों मिला के 30,000 का सामान हमने खरीद लिया, भले ही कर्ज लगाए खरीदा, ठीक है ना। अब ये तो 10 का 10 है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना, ये दोनों मिला के 10 हुआ ना, जीरो का वैल्यू तो जीरो ही होता है, उससे ज्यादा नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए अब ये तो 1,00,000 का 1,00,000 उतरेगा, चेंज आएगा तो अमाउंट भी चेंज आएगा, ठीक है। अब ये 10,000 हो गया क्योंकि कर्ज लगा चुके हैं। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब बिल्कुल ठीक होगा उम्मीद करते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अब आगे क्या करना है तो गौर कीजिए आगे, तो आगे आपको न्यू क्वेश्चन पे आना होगा, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है समझ लेते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा, बोला क्या कि ही रिसीव्ड अ लोन ऑफ ₹25,000 फ्रॉम शिवम, शिवम से कर्ज ले रहा है, शिवम से क्या कर रहा है, बिल्कुल कर्ज ले रहा है, कर्ज लेगा तो क्या होगा, उसके मत्थे चढ़ेगा ना भाई, तो भैया तो परचेज किया नहीं है कि क्रेडिटर में लिख देंगे, यहां तो कर्ज लिया है, यानी कि कर्ज का नाम क्या होता है, लोन, बिल्कुल लोन दिख रहा है उसमें चढ़ा देंगे, लेकिन लोन तो हमको हो गया तो लोन किस रूप में आएगा भाई साहब, ये तो बताइए, कागज फाड़ के देगा क्या, नहीं ना, क्या देगा, कैश देगा, तो आपको कैश दिया तो कैश बढ़ जाएगा, और क्या बढ़ जाएगा, कर्ज बढ़ जाएगा, तभी तो इक्वल टू के इधर भी हिसाब और इक्वल टू के इधर के उधर भी हिसाब क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा, उससे पहले तो बराबर आप कर भी नहीं सकते हैं। तो चलिए कितना का लोन है, लोन आपका 25,000 का है, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि बोला उसने शिवम से 25,000 का नगद ऋण प्राप्त किया, नगद मतलब कैश के रूप में ऋण प्राप्त किया, यानी लोन लिया है, बिल्कुल ले लीजिए ना लोन, 25,000 का कैश आया, जी हाँ, क्योंकि न्यू इक्वेशन में डाल रहे हैं, इससे पहले मैं सॉरी न्यू ट्रांजेक्शन में डाल रहे हैं, इससे पहले मैं न्यू इक्वेशन निकाल दिया था आपके लिए, न्यू ट्रांजेक्शन क्या दिया आपको, 25,000 कैश दिया, स्टॉक दिया क्या, नहीं दिया, फर्नीचर दिया क्या, नहीं दिया, आपको कैपिटल दिया क्या, नहीं दिया, क्रेडिटर दिया क्या, नहीं दिया, क्या दिया, बिल्कुल लोन दिया क्या, बिल्कुल दिया, कितना का दिया, तो 25,000 का ही ना देगा भाई साहब, क्योंकि कैश में भी तो वही लिखे हैं। अब ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगा, ठीक है ना, अब इसको निकाल लूँ सॉल्व करके, क्या निकालू, बिल्कुल न्यू इक्वेशन, ठीक है ना, जब न्यू ट्रांजेक्शन किसी में जुड़ता है, किसी भी इक्वेशन में जुड़ता है, तो वो क्या निकाल के देगा आपको, तो वो न्यू इक्वेशन निकाल करके देगा, न्यू ट्रांजेक्शन जब भी किसी भी एंट्रीज में जोड़ते हैं तो वो न्यू इक्वेशन निकालता है। चलिए अब जोड़ लेते हैं इसको, 70 + 25 कितना हो गया, गौर कीजिएगा और बताइएगा हमको, ठीक है ना, कितना हो गया,
तो ये हो गया आपको 95 सर जी, बिल्कुल। ये 30 का 30 रह गया सर जी, इधर आ जाइए, ये 10 का 10 ही रह गया, ठीक है ना, इक्वल टू के इधर आ जाते हैं, क्योंकि अब ये सॉल्व करके देखूं कितना है, तो ये 95, ये 10 और ये कितना, तो बिल्कुल ये दोनों को एक जगह करते हैं तो कितना होगा, 1,05,000 होगा और प्लस 30,000, तो 1,35,000 होगा सब जी। तो 1,35,000 आपको अमाउंट आ रहा है, तो 1,35,000 इधर भी होगा और 1,35,000 उधर भी होगा जी। हाँ चलिए, इधर भी 1,35,000 ही होगा, तो इसको सॉल्व करके पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये 10 का 10 आया, इधर 25 का 25 आया, ठीक है ना। तो अब इधर भी सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा, कितना हो गया, 10 प्लस 25 तो 35, ए प्लस 1,35,000 इधर भी और 1,35,000 इधर भी, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मेट यही रहेगा। अब और अगर आगे क्वेश्चन बनाइएगा तो किस तरह क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं होगा, लायबिलिटी में कुछ ऑप्शन बढ़ जाएगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है ना, इस तरह का ऑप्शन बढ़ जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको एसेट्स में भी कुछ ऑप्शन बन जाए, जैसे इधर क्रेडिटर है तो इधर आपको डेटर आ सकता है, इस तरह का और भी ऑप्शंस आपको आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा जो इससे थोड़ा बड़ा पैटर्न पे होगा, यानी थोड़ा फॉर्मूला और क्या होगा, बिल्कुल साइज में थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें और भी कॉलम्स ऐड हो जाएंगे जी, बिल्कुल। तो उसके लिए भी आप इंतजार कीजिए किस तरीका से वो सॉल्व होगा। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए जी, क्या कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो हमें समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं, नहीं तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आप देख रहे हो वीडियो, नहीं देख रहे हो, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो पता कैसे चलेगा आपको, तो बिल्कुल आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा रेगुलर, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ वीडियो आ चुका है, ठीक है। चलिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।